वो आपको घर दिख रहे होगा ना वहां पे नीचे नीचे, तो यहाँ से पूरा कश्मीर का व्यू दिखता है। देखो ये साइड से ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे, बिल्कुल ये भी एच लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे लैंड माइनिंग की भी ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो ये साइड और ये साइड। फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा कि बिल्कुल अपने सामने से क्लाउड्स निकलते हुए और मैं क्लाउड्स के बीच में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ दोस्त मैदान सीरीज। तो भाई आज की इस एपिसोड में हम करने वाले हैं ट्रैकिंग, और ट्रैक में जाने वाला हूँ। एक तो है भाई डबल शोल्डर और दूसरा है घाटमर्ग। तो मैं पहले डबल शोल्डर ये क्रॉस करके फिर वो साइड निकल जाऊंगा मैं, तो भाई वो साइड मुझे पूरा व्यू दिखेगा कश्मीर का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। भाई ये जो आपको ये पीक दिख रही है और ये वाला पीक दिख रहा है, यहाँ से ना पूरा कश्मीर दिखता है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ मैं दिखाऊंगा कैसा व्यू लग रहा है कि पूरा कश्मीर। डिपेंड कर लेता है कि अगर क्लाउड्स ना हो, अभी क्लाउड्स है बट फिर भी हम जाएंगे उस वाले पीक पे, देखेंगे क्या दिखेगा वहाँ से। और जो ये दो पीक्स है, दिस साइड एंड दैट साइड, इनको कहते हैं कि यार कश्मीरी में फिक। फिक अगर हम बात करेंगे, दैट आर शोल्डर्स, वन शोल्डर एंड टू शोल्डर। तो पहले मैं काम करूंगा, पहले मैं दो शोल्डर देख के फिर वहाँ से फिर उधर निकल के उस पीक पे चला जाऊंगा जहाँ से पूरा कश्मीर दिखता है। यहाँ पे जो सुकून है ना यार, बहुत कम सुकून ऐसा मिलता है किसी जगहों पे यार। और पहाड़ों पे तो आपको पता ही, पहाड़ों पे कितना सुकून होता है यार। बिल्कुल दूर दूर से इतना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस थोड़े बहुत गाय यहाँ पे हैं और इनके साथ कुछ बंदे, और यहाँ से नीचे से पानी एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है। अरे यार पानी इतना आ रहा है ना बीच में। और भाई जैसे मैंने कहा था कि यार आज से पहले 2014 से पहले यहाँ पे आर्मी हुआ करती थी, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पूरा एच लिखा हुआ है, तो विच कैन बी हेलीपैड। यहाँ ये भी एक जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर बैठा करते थे, अभी भी एक छोटी छोटी निशानियाँ हैं यहाँ पे। एक तो ये साइड है और दूसरा है ये साइड, ये साइड से भी देख लो, अभी पूरा थोड़ा ख़त्म हुआ बट एच लिखा हुआ अभी दिख रहा है। देखो ये साइड से ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे, बिल्कुल ये भी एच लिखा हुआ है यहाँ पे। और कुछ छोटी छोटी और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ये लगता है कि यहाँ पे एक ज़माने में आर्मी हुआ करती थी, और जो ट्रेनिंग यहाँ पे हुआ करती थी उस टाइम पे, ये देख रहे हो। तो जैसे लैंड माइनिंग की भी ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो ये साइड और ये साइड। तो और भी बहुत सारी जगहों पे आपको इस टाइप का एरिया मिलेगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग हुआ करती थी आर्मी की। देखो मैं और भी दिखाऊंगा, बहुत सारी ऐसी जगह है। ये देखो यहाँ पे भी है, ये साइड से भी, ये साइड से भी। एक छोटा सा डोका होता है कि जैसे ये लोग यहाँ पे पूरा गाय वाय सब पालते हैं ना यहाँ पे, तो शाम के टाइम पे यहाँ पे फिर इनको जमा करते हैं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये देख लो इनके सारे गाय वाय यहाँ पे, यहाँ पे भी रखते हैं। वहाँ दिख रहा है आपको फेंसिंग की हुई है थोड़ी सी, तो वहाँ पे भी रखते हैं। अभी यहाँ से भी ऊपर जाना है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, बट यार टू बी ऑनेस्ट विद यू बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत मज़ा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत शांति है, बहुत शांति, और मौसम भी एकदम चिल। तो भाई साहब मैं पूछ गया हूँ, आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं डबल शोल्डर में, तो मैंने जो ट्रैक लिया है वो बीच में लिया है मैंने, तो फिर वहाँ पहुँच के फिर वो साइड टर्न हो जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे एक बंदा मिला, थैंक यू भाई। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का ट्रैक है, बट यार
अल्टीमेट व्यू है यार, अल्टीमेट। अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से 30 मिनट्स और लग जाएंगे मुझे ऊपर तक जाने के लिए, तो चलो फिर मिलते हैं आगे। मैं पहुंच गया जो डबल शोल्डर है, तो बिल्कुल ये साइड पूरा डबल शोल्डर के टॉप पे मैं पहुंच गया, वहां जाएंगे अभी हम। तो ये एकदम फ्लैट सा एक ग्राउंड है यहाँ पे, चेक कर लो। ओ हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारी सी लोकेशन है यहाँ पे। थोड़ा आगे भी देखेंगे कि वो साइड का व्यू आगे का कैसे दिखता है। ये देख लो भाई कितना ब्यूटीफुल है, और भाई यहाँ से देख लो आगे, तो थोड़ा सा आगे जा सके। ओ भाई यहाँ से कितना खतरनाक है, ओहो हो, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स है, आपको ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, बट वो आपको घर दिख रहे होगा ना वहाँ पे नीचे नीचे, तो यहाँ से पूरा कश्मीर का व्यू दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो एकदम क्लाउड्स के ऊपर ऊपर चल रहा है तुम्हारा भाई, यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे नीचे से क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है तो पूरा नहीं दिखेगा, बट फिर भी दिखाने की कोशिश रहेगी तुम्हारे भाई की। एक बार ऊपर से दिखाता हूँ मैं भाई, ये एक दूसरा पॉइंट है, सेकंड शोल्डर, और यहाँ से भी पूरा दिखता है आपको कश्मीर, बट यहाँ पे पूरे क्लाउड्स है ना, तो इसकी वजह से नहीं दिखेगा, फिर भी जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या अमेजिंग लोकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल। अभी मैं जाने वाला हूँ वो वाली पीक पे, भाई ये देख लो क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ऑसम। मैं एकदम ऊपर पीक पे आया था, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि ऑल ऑफ सडन यहाँ से ना क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो गए, यहाँ से दूसरी साइड से तो ना यहाँ से क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो गए, बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहे हैं, ब्यूटीफुल मैन। यहाँ पे दो भाई मिले यहाँ पे, जो बिल्कुल केयर टेकर होते हैं, जो यहाँ पे शीप्स होते हैं ना कश्मीर में, उनका पूरा केयर टेक ये करते हैं ये लोग, और ये ना एक स्पेशल आवाज़ देते हैं कि जिसकी वजह से इनके कैटल्स है ना उनको समझ में आता है कि हमें रुकना है या फिर कोई डर है। भाई साहब कौन सी आवाज़ होती है वो, ये आवाज़ सुन के बिल्कुल जो कैटल्स है ना वो रुकते हैं, वो इनकी ओर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। और इनके साथ एक स्पेशल वेल ट्रेन्ड डॉग्स भी होते हैं, तो वो कुत्ते शायद नीचे है कहीं पे, और वो भी जब वो भी आवाज़ सुनते हैं वो भी देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो ये होती है इनकी लैंग्वेज, जो बिल्कुल पहाड़ी पे लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी मेरे को जाना है ऊपर, और ये वो लोकेशन है जहाँ से भी आपने क्लाउड्स देखे थे ना, तो यहाँ से क्लाउड्स उठ रहे थे, बिल्कुल उस पीक पे जाना है, और मैं आ गया वो वाले पीक पे। ऊपर से दिख रहा है एक बंदा दिख रहा है, उसी के पास मैं बैठा था, वहाँ से आके फिर मैं इधर, इधर से फिर ऊपर, वहाँ से फिर आगे का सफ़र करेंगे हम। बट यहाँ पे ना हल्की सी हल्की बारिश हो रही है अभी, भाई साहब क्या अल्टीमेट व्यू है यार, ये एक बार चेक कर लो पीछे से क्लाउड्स कितने आ रहे हैं पीछे से, ये देखो पूरा। और मैं अभी जो था ना उस वाले इस ऊपर वाले पीक पे था, बट अभी यहाँ से पूरे क्लाउड्स आ गए यार, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा कि बिल्कुल अपने सामने से क्लाउड्स निकलते हुए, और नीचे दिख रहा है आपको यार धूप अच्छी खासी है, और पहाड़ों पर यार ये देख लो यार क्या ब्यूटीफुल है, क्या ब्यूटीफुल है, वाओ। मेरा लास्ट वाला पीक जो थर्ड वाला पीक है, बट ये वाला पीक थोड़ा सा टफ है, बाकी दो पीक्स मैंने कवर कर लिया है। एक तो ये वाला पीक है जहाँ पे मैंने अभी क्लाउड्स का दिखा दिया आपने, और वो वाला फर्स्ट वाला पीक है जो हमने किया
तो अभी मैं ये साइड ऐसे करके फिर एकदम लास्ट वाला पीक है। चलो करते हैं शुरुआत फिर से इस सफर की। ये रहा थर्ड वाला पीक जो मैंने अचीव कर दिया। ये वाला थोड़ा टफ था बट थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं पहुंच गया इस वाले पीक पे। तो भाई इस वाले पीक पे आके आपको कुछ इस टाइप का व्यू मिलता है। ऊपर से देख लो क्या प्यारी क्लाउड्स है। तो अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर देखूंगा आगे वाला साइड कैसा दिखता है ऊपर से। तो ऊपर का रास्ता कुछ इस तरीके का है, एकदम पूरा पीक है। तो मैं ऊपर जाऊंगा अभी। और ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो इन केस अगर बारिश हो जाएगी तो मैं उधर ही जाऊँगा छुपने के लिए। ये देख लो, और ये साइड बैकग्राउंड से पीछे भी देख रहे हो ना, तो वो जो सात सर की बात कर रहे थे ना, वो ऊपर वो साइड से आ रहा है। वो बहुत दूर है यहाँ से, दूसरा रूट है वो वाला। यहाँ आके ना बंदा कन्फ्यूज हो जाता है यार कि मैं क्या करूँ, वहाँ पे रुकूँ, यहाँ पे रुकूँ, ये जगह देख लूँ। कितने ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स हैं। वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि यार मैंने जितना भी कोशिश किया तो उस मैदान को एक्सप्लोर करने में, आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो कैसा लग रहा है आपको तो उस मैदान का ये पूरा व्यू, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता देना। और अगर आपको कॉन्टेंट मेरा अच्छा लगता है तो पता है आपने क्या कर लेना है, फॉलो भी करना है, शेयर भी कर लेना है बोथ ऑन द फेसबुक एंड यूट्यूब। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट तोस मैदान, तोस मैदान में क्या क्या है। तो आई होप कि मैंने इसमें तीन पार्ट डिवाइड किए ताकि मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर कोई बंदा फिर यहाँ पे आ जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि सेफ्टी, बहुत परफेक्ट सेफ्टी है यहाँ पे। किसी किसी जगह पे यहाँ पे नेटवर्क भी आता है, फ़ोन भी चलते हैं और नेट भी चलता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ आके। सो काइंडली To what I said, Allah Hafiz, दुआ में याद रख लेना। फिर मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।